मेरा और चिकू का ये फेवरेट चॉकलेट केक। मुझे प्रिपरेशन करनी थी पहले से ही, क्योंकि मंदिर तो हम गए नहीं एक्चुअली आज। थोड़ी भी जो भी मेरे को प्रिपरेशन करनी है वो मेरे को एक बार करके रख देनी पड़ेगी एक जगह पर, कहीं छुपा कर रख देती हूँ, चिकू की कहीं नजर नहीं पड़नी चाहिए अभी तक गए। और कल सेलिब्रेशन के लिए मैं ढूंढ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं आज उठी हूँ लेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मेरी तबीयत थी थोड़ी सी ख़राब, तो मैंने थोड़े लंबे टाइम तक रेस्ट कर लिया आज, और अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज से हमने रूटीन हमारा को चेंज कर दिया है, कल से और जल्दी उठेंगे। आज मैं थोड़ा उठने में लेट हो गई हूँ, चिकू भी लेट हो गए, पर कल से हम जल्दी उठेंगे और आज से हम रेगुलर मंदिर जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम हो जाते हैं रेडी, फिर चलते हैं मंदिर और फिर आके करेंगे घर के काम। अभी हो गई हूँ मैं रेडी और ले रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके फिर जाना है मंदिर, तो जल्दी से कर देती हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है कॉफ़ी और ब्रेड, जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ। हाँ, ऊपर ऐसे रख के सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए। हाँ, अपना मुँह उधर रहना चाहिए, उनको चढ़ा रहे ना, तो यूँ रखो पोजीशन बता। ठीक है, चलिए हम जा रहे हैं अब मंदिर। ये यहाँ पर लैला घूम रही है। चलो मंदिर है ना। ओ बाप, लैला पहली वक्त मन तो पोसड़ी अड़ी। लैला को भी आना है मंदिर। हेलो हेलो, हाँ ये रहा पीछे आ गया। अभी मैं जा रही हूँ शॉप पर। मंदिर तो हम गए नहीं एक्चुअली आज मंदिर इसलिए नहीं गए क्योंकि हम हो गए थे लेट और चिकू शॉप पर अकेले थे, सो इसीलिए हम नहीं जा पाए। और अभी आई थी खाना खाने, कैमरा भी लेके शॉप पर नहीं गए जा पाई थी, तो अभी फिर से जा रही हूँ खाना खा के शॉप पर क्योंकि कस्टमर आ गए। तो चलिए चलते हैं शॉप पर। मैं शॉप पर आ गई हूँ और थोड़ा काम था इसलिए तुरंत मैं व्लॉग चालू नहीं कर पाई। जैसे कि कल डेट है 14 अगस्त, ये आपके पास तभी आ रहा होगा व्लॉग, 14 अगस्त है और मैं यहाँ पर चिकू की बर्थडे की सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। एक केक तो मैंने बुक करवा दिया है जो कि रात को हम रूम में सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए। और कल सेलिब्रेशन के लिए मैं ढूँढ रही हूँ अच्छी कोई होटल जिसमें हम पूरा दिन चिल कर सके, स्टे कर सके, थोड़े दिन को अच्छा मेमोरेबल और अच्छा बना सके। उसी के लिए तो मैं देख रही हूँ कोई अच्छी होटल मेरे बजट में आ जाए, क्योंकि सरप्राइज़ मैं दे रही हूँ इसलिए चेक कर रही हूँ अच्छी से अच्छी होटल। और अभी जाऊँगी मैं डेकोरेशन का सामान लेने के लिए मार्केट, तो आपको भी लेके चलूँगी क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे लेना है और थोड़ा बहुत जो भी मेरे को रूम में सरप्राइज़ जैसा प्लान करना है तो मैं उसके लिए लेने के लिए जाऊँगी। मुझे कोई होटल मेरे को जैसी चाहिए वैसी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मुझे प्रिपरेशन करनी थी पहले से ही क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी इसलिए फिर मूड ख़राब हो गया था। और कल जैसे कि हम उदयपुर जाएंगे, उदयपुर में ही होटल देख रही हूँ, ज़्यादा दूर जाने का था पर कुछ मेरी तबीयत सही नहीं होने की वजह से वहाँ बुकिंग्स वगैरह हमने कर दी है कैंसिल कर दी है। अब देखेंगे कभी नेक्स्ट जाएंगे तो बाहर। कल जाएंगे तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब थी, क्या है फ़िलहाल ख़राब जो मेरा डॉक्टर है, मुझे क्या स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो मेरे डॉक्टर को हम कल मिल लेंगे और जो भी बात करनी है वो कर लेंगे। और मेरा जो भी छोटा मोटा भी ट्रीटमेंट मेरी प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर अगर दे रहा है तो वो भी ले लेंगे। तो चलिए अभी करते हैं कुछ बर्थडे की तैयारी कल के लिए, आज के लिए भी करनी बाकी है, आज के लिए कुछ ही हो पाई है यानी मैं थोड़ा बहुत ही सरप्राइज़ कर पाई हूँ, पर अभी तक तो कुछ सरप्राइज़ कर नहीं पाई हूँ, सरप्राइज़ प्लान कर पाई हूँ। अब देखती हूँ आगे क्या होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं चिकू के बर्थडे की शॉपिंग करने। अभी आ गई हूँ मैं घर पर सारा कुछ सामान लेके क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी मेरे लेवल पे मैं तैयारी अर्जेंटली कर पा रही थी वो मैंने कर ली है। और जैसे कि मैं ले आई हूँ, दिखा देती हूँ, गिफ्ट रैप ले आई हूँ, उसके बाद
चिप्स, ये तो मेरे फेवरेट है इसलिए मैं लेके आई हूँ। बलून्स लेके आई हूँ। बर्थडे कार्ड ये जिसको भी बोलते हैं वो लेके आई हूँ। ये स्पार्कल कैंडल एंड मेन केक। एक बार निकाल देते हैं केक। मेरा और चिकू का ये फेवरेट चॉकलेट केक है और हम दोनों को दो ही फ्लेवर अच्छा लगता है। ओनली फॉर एक हो गया रेड वेलवेट एंड डार्क चॉकलेट। तो चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और टेस्ट में भी अच्छा होगा। तो चलिए इसको जल्दी से कर देती हूँ छुपा। इसको जल्दी से देती हूँ छुपा और थोड़ी भी जो भी मेरे को प्रिपरेशन करनी है वो मेरे को एक बार करके रख देनी पड़ेगी एक जगह पर, और जब बर्थडे होगा तब एकदम से ओपन होगी। इसलिए वो शॉप से आई नहीं अभी तक। जब तक शॉप से आते हैं तब तक फटाफट ये सब चीज़ें कर देती हूँ क्लियर। अभी जैसे कि चिकू आए नहीं है शॉप पर से, तो मैं जल्दी से कर देती हूँ उनका गिफ्ट पैक। मैंने उस साल भी उनको गिफ्ट किया था परफ्यूम ही, और इस साल भी मैं कर रही हूँ परफ्यूम ही गिफ्ट। वुड डिज़ायर जो कि उनका फेवरेट वन है, वो कब से सोच रहे थे और मुझे बार बार बोल भी रहे थे, यानी मजाक में, वो तो मुझे गिफ्ट कर देना ना, मुझे गिफ्ट कर देना। तो ये मैंने ले लिया है, अब उनके लिए कर देती हूँ पैक। और एक और चीज़ मैंने ली है उनके लिए, मैंने लिया है ड्रोन लिया है मैविक, जो कि उनको यानी कहते हैं ना ड्रीम टाइप था, ये पागल हो गए थे उसके पीछे। तो वो भी मैंने मंगवा दिया है, मंगवा कब से दिया है पर वो मैंने छुपा के रखा था, अभी कर देती हूँ पैक। क्या मस्त सरप्राइज होने वाला है उनके लिए गिफ्ट, तो दोनों इनकी फेवरेट चीज़ें आई है। इसलिए अभी मैं कर रही हूँ चिकू के बर्थडे की गिफ्ट की पैकिंग, और यहाँ पर हो रहा है मेरा नाश्ता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो आप चलो मेरी पैकिंग को भी इंजॉय करो, यानी टाइम लैप्स को इंजॉय करो। चलो जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ चिकू का सेकंड गिफ्ट पैक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं उनको गिफ्ट कर रही हूँ मैविक प्रो, मैविक 2 प्रो। तो यहाँ पर मैंने बड़ी यानी मशक्कतों के बाद ये वाला मुझे मिला है, यानी अब कैसे लिया है क्यों लिया है इसकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा लंबी है, कभी नेक्स्ट बताऊँगी। तो अभी मैं इसके अंदर कर रही हूँ एक प्रैंक कर रही हूँ। जैसे कि ये है मेरा मैविक का बॉक्स, मैविक 2 प्रो का बॉक्स है। मैं इसके अंदर मैंने ड्रोन निकाल दिया है, ड्रोन ये रहा, ड्रोन मैंने निकाल दिया है और अंदर यानी फालतू स्टफ़ भर दिया है जिससे उनको यानी बॉक्स थोड़ा सा हैवी लगेगा। और ये मैविक है मैंने निकाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने मंगवाया था इसका बैग भी। इस बैग को भी मैं एम्प्टी ही रखूँगी क्योंकि मुझे इसके अंदर भी नहीं डालना है, दोनों को अच्छे से गिफ्ट पैक करके फिर उनको देना है। चलो एक खोलेंगे तो यूँ लगेगा इसमें है, एक खोलेंगे इसमें, फिर मैं उनको अलग से यानी सरप्राइज दूंगी। ये भी एक तरह का प्रैंक ही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको कर देती हूँ पैक और थोड़ा बहुत मज़ा भी करेंगे उनके साथ। अब इसको मैं कहीं छुपा कर रख देती हूँ चिकू की कहीं नज़र नहीं पड़नी चाहिए, अभी तक घर आए नहीं है इसलिए ये काम मैंने फटाफट निपटा दिया है, तो जल्दी से छुपा देती हूँ। अभी मेरे को एक और आइडिया आया है, जैसे कि मुझे क्या ये ड्रोन वगैरह डालने के लिए कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक और आइडिया लगाया। चिकू को चाहिए हैं शूज़, और सच में चाहिए क्योंकि हमको बहुत टाइम हो गया हमने शूज़ की कोई शॉपिंग नहीं की है। तो यहाँ पर मेरे पास पड़ा है एक नाइकी का बॉक्स, उसके अंदर मैं ये सब डालूँगी, चिकू को लगेगा कि मेरे लिए जूते ही लाइए। ये रहा बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर सब एक एक करके सामान जाएगा ड्रोन का, जैसे कि बता देती हूँ मैं। भाई खुल, ठीक है। ये हमारा चला गया क्या बोलते इसको, अरे रुको, रिमोट, ये ड्रोन, और ये चार्जर, ये भी चार्जर ही है। और ये हमारी 2 बैटरीज, चलो कंप्लीट फिट हुआ है। और वेट भी मैनेज हो जाएगा, वेट तो क्या करना है, वेट भी हो जाएगा मैनेज। तो चलिए अब इसको भी अच्छे से कर देती हूँ पैक, यानी खोलने में टाइम लगे और पता चले कि क्या है इसके अंदर। मुझे डायरेक्ट ही देना पड़ेगा बॉक्स क्योंकि पैकिंग तो क्या करूँगी, यानी इसको जैसे ही मैं पैक कर रही हूँ और इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, अंदाज़ा तो लग ही जाएगा क्योंकि वो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ाते हैं। इसलिए तो ऐसे ही दे रही हूँ, इतना ज़्यादा भी सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ क्योंकि 3 बॉक्स बना दूंगी फिर तो मैं इनके गिफ्ट के लिए।
अभी बन रहा है खाना। खाने में मम्मी ने बना दिया है बेसन, जैसे कि और बेसन बन गया है आटा। चलो फ़ोन भी डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अब इसी के साथ कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड और खाना भी खा लेती हूँ। अब प्रिपरेशन सब आपको कल देखने मिलेगी, कल के व्लॉग तो आपको देखना ही है। तो ठीक है चलो, अगर आज का व्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मेरे चिकू को विश कर देना और बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देना, हमारे लिए बहुत काम आएगी इसलिए। तो चलो आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। बाय।